आबादी शहरी क्षेत्रों में बसी है। लगभग 38,000 झुग्गी बस्तियों में 6,40,00,000 लोग रहते हैं। भारत का कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहां झुग्गी झोपड़ियां ना हों। शहर की आलीशान बस्तियों के पड़ोस से लेकर रेल पटरियों के किनारे किनारे घास फूस, मिट्टी, प्लास्टिक, टीन की चादरों, यहां तक कि पॉलिथीन को जोड़ जाड़ कर झुग्गियों में रहने वाले दिहाड़ी मजदूर, कोठियों में काम करने वाले, रिक्शा चालक, खोमचे वाले आदि होते हैं, जो शारीरिक श्रम से किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। सर्दी, गर्मी, बारिश, हर मौसम की मार इन पर पड़ती है और उसे सहने के अलावा कोई विकल्प इनके पास नहीं होता। जीने की इसी लड़ाई में बचपन अपनी पहचान खो देता है। खेलने और पढ़ने की उम्र में ये छोटे छोटे बच्चे कूड़ा बीनने और दुकानों पर काम करने को मजबूर हो जाते हैं। गरीबी के कारण लाखों मासूम बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जीने का हक खो बैठते हैं। ऐसे ही बच्चों को अंधकार से निकालने और उन्हें शिक्षा के जरिए ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए गेल इंडिया और आरोह फाउंडेशन द्वारा पढ़ो और बढ़ो कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के द्वारा उन बच्चों को अंधकार से निकालकर उम्मीद की एक नई राह पर ले जाया जा रहा है, जो लाचारी में अपना बचपन खोने पर मजबूर हैं। पढ़ो और बढ़ो का मकसद है सभी के लिए शिक्षा, और इस मकसद को पाने के लिए गेल इंडिया और आरोह फाउंडेशन ने हर तरह से कोशिश जारी रखी है। इस कार्यक्रम के द्वारा झुग्गी बस्तियों में स्कूल ना जाने वाले तथा पढ़ाई में पिछड़े बच्चों की घर घर जाकर जानकारी जुटाई जाती है। आपके घर में 6 से 14 साल का ऐसा बच्चा है? वहाँ जैसे स्कूल नहीं जाता? ये 10 साल का है और 13 साल की लड़की है, 14 साल। अच्छा, जो स्कूल नहीं जाते हैं? ना। क्यों नहीं आपने उनको स्कूल में भेजा? क्यों, हमारी इतनी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ पे एक सेंटर है पढ़ो और बढ़ो, जो आरो फाउंडेशन के द्वारा चलाया जाता है, तो उसमें बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है नॉन फॉर्मल। उसके बाद हम उनको पढ़ाने के बाद 1 साल के बाद हम उनका स्कूल में खुद एडमिशन कराते हैं। तो इस बारे में आपको जानकारी नहीं, आप अपना नाम बताएंगे? और उनका पढ़ो और बढ़ो केंद्र में दाखिला दिलाकर 1 साल तक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण केंद्र पर बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय की प्रारंभिक जानकारी दी जाती है, जिससे बच्चों का आधार मजबूत हो सके। अनौपचारिक शिक्षा के साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चों का शैक्षिक स्तर ऊपर उठाने के लिए रेमेडियल कक्षाएं भी चलाई जाती हैं। बच्चों के रहन सहन तथा सीखने की क्षमता के अनुसार बच्चों के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए खास पाठ्यक्रम बनाए गए हैं। बच्चों के साथ साथ एजुकेटर के पढ़ाने के तरीके पर भी खासा ध्यान दिया जाता है। इसके लिए हर माह एजुकेटर को पाठ्यक्रम की जानकारी देने के लिए कार्यशाला आयोजित की जाती है, जहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचिंग टूल्स के बारे में जानकारी दी जाती है। मेरा नाम सोनी है, मैं आरो फाउंडेशन में 3 साल से टीचर हूँ, एजुकेटर हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं स्लम्स के बच्चों को पढ़ाती हूँ, जो बच्चे कूड़ा बीनते हैं, भीख मांगते हैं, या ढोलक का काम करते हैं, या बसों पर मांगते हैं, उन बच्चों को पढ़ाती हूँ। उनको 1 साल तक ट्रेड करके उनका गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराती हूँ। हम ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ, जो बच्चे किसी कारण से स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं या जो गरीबी रेखा के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं, उन बच्चों को हम लोग निशुल्क अपने पढ़ो और बढ़ो सेंटर में निशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। पढ़ो और बढ़ो दिल्ली NCR की लगभग 100 झुग्गी बस्तियों में 250 केंद्रों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जहाँ से हर साल 10,000 गरीब और शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न सरकारी स्कूलों में इन बच्चों का दाखिला करवाया जाता है और उन्हें आगे पढ़ाई की ओर अग्रसर किया जाता है। पहले हमने कबाड़ चुगते थे, हमारी बेटी भी चुगती, हमने दीदी गुड़िया आई उसने बोलने लगा था, हमने इसी स्कूल में। हमारे 2 भाई हैं, एक कबीर एक काजुल, वो पढ़ो और बढ़ो स्कूल में पढ़ते हैं। मेरा नाम गुड्डू कुमार, पहले मैं पढ़ता था पढ़ो और बढ़ो में,
अब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ। यहाँ पे फ्री बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे बच्चे पढ़ लेंगे। मैं घर पे खेलती थी, अब मैं क्या स्कूल जाती हूँ। हमारे बच्चे इसी तरह इस सेंटर से जुड़े रहें और बराबर पढ़ने आएँ और बहुत कुछ सीखें, पढ़ लिख कर कुछ बनकर दिखाएं। मैं चाहती हूँ मेरी लड़की पढ़ लिख कर नर्स बने। गरीबी के कारण माता पिता बच्चों को काम पर भेजने को मजबूर होते हैं। ऐसे ही घरों में आय के स्रोत बढ़ाने और उन्हें रोजगार दिलाने के लिए महिला सशक्तिकरण हेतु गरिमा नाम से निशुल्क वोकेशनल ट्रेनिंग कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। मैं यहाँ उन लड़कियों को सिखाती हूँ जिनके बच्चे पैब में पढ़ते हैं। जहाँ की गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनकी बहनों और माओं को फ्री में कटिंग, टेलिंग और पार्लर में सिखाती हूँ। जो कहीं ना जा पाती हैं, ना कुछ कर पाती हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम इनका सर्वे करके इन्हें लाते हैं गैल गरिमा में और इन्हें ये ट्रेनिंग देते हैं। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जो यहाँ से सीखने के बाद घर बैठे कुछ काम कर रही हैं। बहुत सी हैं जो बाहर करके भी कर रही हैं और अपने घर को चला रही हैं। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं यहाँ पर गैल गरिमा में ब्यूटिशियन सिखाती हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है इन बच्चों को ब्यूटिशियन कोर्स सिखाने में। जितने भी बच्चे हमारे पास सीखने आते हैं सब बहुत गरीब हैं और ये लोग नहीं सीख सकते बाहर से। हमारे यहाँ ये गैल गरिमा में सीखते हैं, इन्हें इससे बहुत खुशी मिलती है। गैल गरिमा से जुड़कर हर साल लगभग 3,200 महिलाएं अपने बलबूते पर अपना घर चलाने में सक्षम हो रही हैं। मेरा नाम बिमला है। गैल गरिमा में हम सिलाई सीखने जाते हैं और हम सिलाई सीख के सोचते हैं कि हम कुछ करें आगे और मेरे बच्चे उस पढ़े और बढ़े में पढ़ता है। गरिमा केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाता है। तो मैं आस पड़ोस के कपड़े सिलती हूँ और जो मेरे घर में जो जरूरतें हैं जैसे दूध नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, तो ये मैं अपने घर कपड़े सिल के जो मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं अपने घर में पैसे खर्च करती हूँ। ये देखकर मेरे मम्मी पापा मेरे पे बहुत खुश होते हैं, तो ये खुशी मुझे आरओ फाउंडेशन की तरफ से मिली। गेल इंडिया और आरओ फाउंडेशन की ये पहल उन सभी को आगे बढ़ने की हिम्मत देता है जो कि समाज और परंपरा की बेड़ियों में बंधने के कारण बाहर नहीं निकल पाती हैं। मेरा काम था कबाड़े का, कबाड़ा बीन के लाती थी, कबाड़े से मेरा गुजारा नहीं होता था। आज मेरा काम बढ़ रहा है, मेरा नाम चल रहा है, आगे भी बढ़ना चाहती हूँ, कुछ करके दिखाना भी चाहती हूँ। तरह तरह की वर्कशॉप और ट्रेनिंग उनका हौसला बढ़ाने में मदद करते हैं। गेल गरिमा के प्रयासों द्वारा लगभग 8,000 महिलाएं आज अपने पैरों पर खड़ी हैं, जो इज्जत से निर्भय होकर काम करती हैं और अपने बच्चों के भविष्य को उचित शिक्षा द्वारा सुनिश्चित कर रही हैं। करवा चौथ आई थी तो मैंने उस टाइम करवा बनाए, उनके ऊपर कलर करके उनको बेचा, उससे भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मैं पॉट लाई हूँ, अब मैं इनको कलर करूँगी। ये दिए हैं, इनको कलर करने के बाद में दिवाली के टाइम अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे इनसे, तो मेरे को इन सब चीज़ों से काफ़ी लाभ हुआ सीखने से। पढ़ो और बढ़ो व गरिमा दोनों कार्यक्रम की सफलता का श्रेय जाता है उन शिक्षिकाओं को जो बच्चों और महिलाओं दोनों की ही जिंदगी से जुड़े हैं और जिनकी मेहनत और लगन से ये लोग आगे बढ़ने का साहस जुटा पाते हैं। आज पढ़ो और बढ़ो व गरिमा जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समाज के दबे, कुचले और निर्बल वर्ग के भविष्य को सुरक्षित करने में और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन कार्यक्रमों से जुड़े हर बच्चे, महिला तथा पूरे परिवार के मन में आरओ फाउंडेशन और गेल इंडिया के लिए आभार है। ऐसे ही लाखों और परिवारों को एक सहारे का इंतजार है।